हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल इज द दिवाली मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आएगा। इसके साथ मैंने एक हेयर स्टाइल भी किया है इस तरीके का कुछ विद मांग टीका। मैंने अपने आईब्रो को फिल करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए एक ब्राउन कलर का शीट ले रही हूँ जिससे मेरी आईब्रो बिल्कुल नेचुरल सी लगे। इसके बाद मैं अपनी आईज़ पर हेलो आईज़ मेकअप कर रही हूँ जिसके लिए मैंने अपनी ड्रेस से मैचिंग ब्लू कलर का आई शेडो लिया है जिसको मैं अपने फ्रंट और बैक कॉर्नर्स पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दी। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने गोल्डन कलर का शेड लिया जिसको मैं अपनी आईलिड के सेंटर पे अप्लाई करी। उसको अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी आईज़ पर लगाना स्टार्ट कर दिया आईलाइनर, विंग्ड आईलाइनर। आईलाइनर लगाने के बाद मेरा आईज मेकअप हो चुका है डन। तो हमारा आईज़ मेकअप डन होने के बाद अब मैं करने वाली हूँ अपना फेस मेकअप। तो इसके लिए मैंने अपने फेस पर जेल प्राइमर अप्लाई किया क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है। इसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाना स्टार्ट कर दिया फाउंडेशन। इसको मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने अपनी नोज पर कंटूरिंग करनी स्टार्ट कर दी फुल फेस पर। मैंने नोज़ की कंटूरिंग थोड़ी डिफरेंट की थी जो कि मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, तो मैं इसको ट्राई करना चाहती थी। इसके बाद मैंने अपने लिप्स की कंटूरिंग की हल्की सी। जो मेरी चीक्स की कंटूरिंग है इसको मैंने थोड़ा सा लिफ्टेड किया हुआ है, तो इसको करने के बाद मैं अपनी जॉ लाइन को भी कंटूर करूँगी। इसके बाद मैंने अपने फुल फेस पे कंटूरिंग कर दी है। जो मेरा चिन था इस पर भी मैंने एक डिफरेंट तरीके से वी टच में एक कंटूर किया है जिससे कि हमारा फेस एकदम शार्प लगे। उसके बाद मैंने एक कंटूर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से ब्लेंड करी। जो मेरा नोज़ का कंटूरिंग थी इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, तो ये कंटूर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने एक पिंक कलर का शेड लिया है ब्लशर, तो इसको मैं अपने चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। जस्ट आपको हल्का सा स्माइल करके अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो कंटूर को अप्लाई कर ब्लशर को अप्लाई कर दिया है। ब्लशर को अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी फेस के बोन एरियाज पर हाइलाइटर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मेरे फेस पर एक अच्छा खासा ग्लो आ गया था लाइक दिवाली लुक। इसके बाद मैंने एक पिंक न्यूड लिपस्टिक को अप्लाई किया था क्रीम कलर की जो कि इस मेकअप के साथ बहुत अच्छे से सूट कर रही थी। तो इसको मैंने लिप फिलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने लिप्स पर अप्लाई कर दिया, तो फिल कर ली थी। फिल करने के बाद मेरा मेकअप हो गया डन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा हेयर स्टाइल, तो मैं अब करने वाली हूँ हेयर स्टाइल। आई होप आप लोग को मेरा हेयर स्टाइल पसंद आएगा। हेयर स्टाइल करने के लिए मैंने अपने हेयर की मिड पार्टीशन करनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने बीच की मांग पे अच्छे से एक मांग टीके को एडजस्ट कर लिया। इसको लगाने के बाद मैं एक स्ट्रैंड ले रही हूँ, इसको अच्छे से ट्विस्ट कर रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ। उसके बाद मैंने इसको एक पिन की हेल्प से स्क्योर कर लिया। इसी तरीके से मैं अपने सभी दोनों साइड के हेयर को सेक्शन करते हुए एक साइड पे रोल करते हुए इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं एक पिन की हेल्प से इसको अच्छे से टक इन कर लूँगी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरे एक साइड डन हो चुका है। मैंने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से किया है।